बीती रात्रि अपराधियों द्वारा गोलीबारी कर जो है एक व्यक्ति को घायल किया गया है, क्या है मामला? जी हाँ, कल थाना को सूचना मिली लगभग 10:30 बजे रात्रि में कि दुर्गा बस्ती का व्यक्ति है बास खान, लगभग 50 साल, उसको अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई है। घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान पता चला उनको 2 गोली लगी है, जिसको बेहतर इलाज के लिए BGH भेजा गया है, बाकी जाँच चल रही है। पूर्व में भी जो है 1 वर्ष पहले जो है एक व्यक्ति को गोली मारा गया था। जी हाँ, एक व्यक्ति थाना आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष भी एक व्यक्ति रंजीत सिंह है, उनको गोली मारी गई थी। आरोप जो है उन्हीं उसी गांव के एक व्यक्ति पर लगा था, रंजन पांडे पर, वो अभी केस अनुसंधान में है। क्या गिरफ्तारी हुई कि नहीं इस मामले में? नहीं, अभी अनुसंधान में है और फिलहाल चल रहा है। क्या स्थिति है अभी जो गोली लगी है उस व्यक्ति का? कल रात्रि का तो अपडेट था कि डॉक्टर साहब से बात हुई थी, हम भी गए थे अपना हॉस्पिटल में, तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी ठीक है, बाकी बेहतर इलाज के लिए देखिए डॉक्टर को बताया। किसी प्रकार का कोई कन्फेस नहीं, अभी कोई जानकारी पास नहीं। सर गोली कहाँ कहाँ लगी? 2 गोली लगी है, एक कंधा में लगा था। सर इस मामले को उस मामले से जोड़ा जा रहा है? बीती रात्रि हुई है, अब जाँच किया जाता है, उसके बाद किसी प्रकार का संबंध प्रतीत होता है कार्रवाई की जाएगी। अपराधी सर कितने संख्या में? प्रत्यक्षदर्शी कोई मिल नहीं पाए हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि बाइक से आए थे 3 व्यक्ति का नाम आ रहा है सामने, नाम तो नहीं है बस 3 व्यक्ति का संख्या कहा जा रहा है। नकाब पोश थे क्या? हाँ था जी। देखिए इस तरह का घटना, इस तरह का घटना हम लोग के क्षेत्र में नहीं होता, ये दूसरा घटना दुर्गा बस्ती में है। इस तरह का दूसरा घटना होना पुलिस के नाकाम है भी, जो सरकार की नीति है जो भी है, चाहे अगला भी घटना दुग्धा बस्ती में घटा था और उसका उद्भेदन आज तक नहीं हो पाया। घटना क्या हुआ? मनोबल देखिए, घटना इनकी गोली, आवास खान एक सामाजिक आदमी है, पारिवारिक आदमी है और एक अल्पसंख्यक होते हुए दुग्धा बस्ती में सभी के साथ चेतनाओं के साथ मन बना के अपने रहने वाला व्यक्ति है और कभी भी इसका दुश्मनी किसी के साथ नहीं था। लगभग कई बजे की घटना है? लगभग 10:30 के बीच में। कई गोली लगी है? 2 गोली लगी है। और गोली चला था क्या वहाँ? वो हमको पता नहीं है, लेकिन उनके हम तो बाद में आए हैं, अभी हॉस्पिटल आए, हमको खबर वहाँ पे आया दुग्धा बस्ती से कि इसको गोली लगा, तड़पड़ा रहा है। हमने बोला कि सीधा कि हॉस्पिटल लेके BGH आओ, हम BGH आ रहे हैं। मैंने BGH आया, अब BGH आ। अभी स्थिति क्या है? स्थिति नाजुक है और देखिए मेरा यही कहना है कि जो गुनाहगार हो, प्रशासन से मैं निवेदन करता चाहता हूँ कि दूसरी घटना दुग्धा बस्ती में ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर तीसरे घटना भी हो सकती है।